यूपी में निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ही नामांकन होंगे और ऐसे में बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल बीजेपी में उम्मीदवार चयन की एक प्रक्रिया है। बीजेपी ने हर एक, अगर हम कहें जो 17 नगर निगम है, उनमें सरकार के एक मंत्री को प्रभारी बनाया है और एक संगठन के व्यक्ति को प्रभारी बनाया है। इसके अलावा जो महानगर अध्यक्ष है, वहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो MLC हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जो जिला महामंत्री हैं और साथ ही साथ उस शहर में जो प्रदेश पदाधिकारी रहते हैं, उनकी पूरी कमेटी है और वही कमेटी जो वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जो प्रभावी नाम है उनका एक पूरा पैनल बनाते हैं, नामों का पैनल बनाते हैं। तीन तीन नामों का जो पैनल है वो प्रदेश कार्यालय पर भेजा जाता है, प्रदेश मुख्यालय पर भेजा जाता है। और चूंकि जो मेयर के नाम है, मेयर की जो सीटें हैं, उसके लिए नामों की चर्चा जो कोर कमेटी है बीजेपी की उसमें होती है। वो जो तीन तीन नामों का पैनल आता है उसकी चर्चा कोर कमेटी में होती है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हैं, और फिर कोर कमेटी उन नामों में से कुछ नामों को तय करती है और फिर शीर्ष नेतृत्व से भी उसके लिए स्वीकृति ली जाती है और फिर कैंडिडेट उम्मीदवार मेयर के घोषित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, नगर पंचायत अध्यक्ष की बात कर लें, तो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए तो क्षेत्र से ही नामों की घोषणा होगी, लेकिन उसके लिए भी स्वीकृति लखनऊ से ही ली जाती है, लखनऊ मुख्यालय से ली जाती है और प्रोसेस भी वही है जो कि मेयर के लिए होता है। साथ ही साथ जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके लिए भी इसी तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और फिर नामों की स्वीकृति लखनऊ से ही ली जाती है। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।